नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जय माता दी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी वीडियो में। माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद अशुभ समझा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी दो दिन बढ़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार के दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है, ताकि आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े और किसी से पूछना ना पड़े। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा, ताकि आप हमसे नई नई जानकारी पाने के लिए जुड़ें रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और एक वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनि देव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदैव ही अशुभ होगा। आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है, इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने। परंतु याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने वस्त्र पहनने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, जय माता दी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी वीडियो में। माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद अशुभ समझा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी दो दिन बढ़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार के दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है, ताकि आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े और किसी से पूछना ना पड़े। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा, ताकि आप हमसे नई नई जानकारी पाने के लिए जुड़ें रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है,
इसीलिए भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और एक वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनि देव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदैव ही अशुभ होगा। आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने। परंतु याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने वस्त्र पहनने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी बांधी पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके कुल का विनाश हो गया। इसलिए रात के समय ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, परंतु यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के पश्चात रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन दिन बढ़ रही है। तो इसके लिए आपको 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले ही, यानी कि 31 अगस्त 2013 की सुबह 7:46 से पहले भी राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, बात ध्यान रखें कि 30 अगस्त को सूर्य उदय होने के पश्चात ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। 31 अगस्त को सूर्य उदय सुबह 5:48 पर हो जाएगा, इसलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:00 से लेकर सुबह 7:46 तक अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाभ होना संभव है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को लाल रंग के बदले कोई और राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर सदैव लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर वस्त्र, गहने आदि जरूर भेंट करें। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं कामना करता हूं इस साल रक्षाबंधन आपके पूरे परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।